गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास फिर सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज हमारी 4.5 का पार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कल हमने पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी बुक को निकालिए, क्वेश्चन रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं। थ्री रोड्स मेजरिंग 160 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर एंड 240 सेंटीमीटर, मतलब ये तीन रोड हैं जिनकी हमें लेंथ दे रखी है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली यूजिंग एनी वन ऑफ थ्री रोड्स। यानी हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट लेंथ निकालनी है। इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सभी बच्चों को एलसीएम निकालना आता है, कैसे निकालते हैं देखिए। किस किस का निकालना है, 160 का, 180 का एंड 240 का। किसका, 240 का। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। 2 8 16, 0। 2 9 18 और 2 1 2 2 2 4 और 0 तो हमारी सेम रहेंगी। ठीक है, आप दोबारा से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 8 और 2 5 10, अब 2 6 12, 0 सेम। अब अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 4, 45 हमारे 2 से नहीं होगा तो इसे ऐसे लिख देंगे, और 2 3 6, अगेन 2 से, 2 1 2 यानी 10, 45 सेम रहेगा, 2 1 2 और 2 5 15। अब ये किससे होगा हमारा, 2 से, 2 5 10, 45 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा और ना ही हमारा 15 2 से डिवाइड होगा। अब आगे देखिएगा, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 के टेबल में 5 नहीं आता है। अब किसे करेंगे, 45 को करेंगे, तो 3 1 3, 3 5 15 और 3 5 15 यानी ये भी डिवाइड हो गया। अब अगेन 3 से करेंगे, 5, 3 5 15 एंड 5। अब किससे करेंगे, 5 से, क्या आ जाएगा, 1 1 एंड 1। निकालना क्या है हमें, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 2 कितने टाइम्स है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने 2 लिख दिया, 2 टाइम्स हमारा 3 है 1 एंड 2 और 1 टाइम्स हमारा 5 है। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15, 15 3 45, 45 2 19, 90 0 9, 9 2 18, 18 2 36, 36 2 कितना हो गया आपका, 72 और 72 2 कितना हो गया, 4 और 4। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार। 3 बेल टोल एट इंटरवल ऑफ 10, 15 एंड 20 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड डू द 3 बेल्स टोल टुगेदर। हमें बताना है कि कितनी देर बाद ये जो बेल्स है हमारी क्या होंगी, दोबारा से एक साथ बजेंगी। यानी आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए कि 3 बेल हैं, एक 10 मिनट बाद बजती है, एक 15 मिनट बाद और एक 20 मिनट बाद। यानी फर्स्ट बेल लगी आपकी, फर्स्ट बेल लगने के बाद इन तीनों बेलों का टाइम, तीनों एक साथ लगी, लेकिन उसके बाद टाइम चेंज हो रहा है। हमें बताना है कि कितनी देर बाद क्या होगा, जो ये बैल है हमारी एक साथ लगेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो निकालिए, किस किस का निकालना है, 10, 15 एंड 20 सेकेंड। ठीक है, 2 5 10, 15, 2 1 2 यानी 2 10 20, 2 से डिवाइड हो जाएगा 5, 15 एंड 5, 3 से डिवाइड हो जाएगा 15, 3 5 5 एंड अगेन 5।
अब 5 के टेबल में 3 5 आता है तो 1 1 एंड 1। अब क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम 2 × 2 × 3 × 5। अब जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 32 = 60 दैट मीन्स 1 आवर बाद आफ्टर द 1 आवर वेल आर रिपीटिंग, ठीक है, ये लिख देते हैं। ठीक है, यानी 1 घंटे बाद क्या होगा, जो ये बैल है वो हमारी क्या होंगी, रिपीट होंगी। सभी को समझ में आ गया, एलसीएम निकाला, मल्टीप्लाई की और 60 सेकंड आया, 60 सेकंड यानी 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, सॉरी 60 सेकंड है तो मिनट्स हो जाएगी, मिनट्स में दे रखा है, सेकंड में एक बार हम चेक कर लेते हैं, सेकंड में दे रखा है तो क्या हो जाएगी, मिनट्स हो जाएगी। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, क्या कर लेंगे यहाँ, मिनट्स, अगर सेकंड्स मिनट्स में दे रहा होता तो आर हो जाती, और यहाँ पे हमें क्या दिया है, सेकंड्स, ठीक है, 60 सेकंड लिख लीजिए या 1 मिनट लिख लीजिए, एक ही बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 30 एज वेल एज 40। तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है, सिंपल, जो भी एलसीएम निकाल के आएगा वही आपका आंसर होगा। तो अब क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज अपनी 4.6 स्टार्ट कर देते हैं। 4.6 में देखिए क्या करना है, एक्सरसाइज 4.6, देखिए सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके लिए होमवर्क है, इजी है, आप लोग कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी उसने हमसे कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू टू नंबर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, ठीक। फिर है हमारा इज 160, दैट मीन्स ए इंटू बी इज इक्वल टू 160, क्लियर। और बोला गया है इफ एलसीएम ऑफ नंबर इज 40, एलसीएम इज 40 एंड एचसीएफ क्या दे रखा है, आपको फाइंड करना है, क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, क्या, एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एल सी एम कितना दे रखा है आपको, 40, एच सी एफ आपको निकालना है, और ए इंटू बी कितना दे रखा है, 160। तो एच सी एफ कितना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई में है तो इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 40 जीरो से जीरो और फोर जा 16, यानी 4। एच सी एफ कितना आ गया आपका, 4। सभी को समझ में आया, इसमें हमें क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज करना है, ठीक है, इसे हाईलाइट कर लीजिए, ये वाला जो फॉर्मूला है आपको इसमें यूज करना है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू हमें दे रखी थी, हमने वैल्यू रखी और हमें आंसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर, हमें एलसीएम भी दे रखा है और एचसीएफ भी दे रखा है, और 1 नंबर इज 20 और अदर नंबर सेकंड नंबर निकालना है, तो इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 एलसीएम कितना बोला है, जल्दी बताइए आप लोग, एचसीएफ भी बताइए मुझे, और फर्स्ट नंबर वो भी बताइए, एलसीएम कितना है 242, एचसीएफ कितना है आपका 11
और वन जो सिंगल नंबर एक नंबर है वो कितना है 22 और फाइंड हमें अदर नंबर यानी सेकंड नंबर करना है। कैसे कैसे फाइंड करेंगे? आपको याद आ गया होगा कि मैम ने फॉर्मूला बताया, क्या है फॉर्मूला हमारा? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM कितना है हमारा 242, HCF कितना है 11, फर्स्ट नंबर कितना है 22 और सेकेंड नंबर कितना है हमें निकालना है, तो इसे n लिख लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू क्या बैठेगा हमारा 242 अपॉन इंटू 11, इसके नीचे ये 22 जाएगा ना, तो 22 11 टू जा 22 और 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा 121 आंसर। क्लियर है? सेकंड नंबर क्या मिला हमें 121। क्लियर? अब देखिए थर्ड नंबर इसी फॉर्मूले में रख के आपको करना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके सिर्फ इसी फॉर्मूले पे बेस है और कुछ नहीं है, एक भी मतलब कि सिंपल है फॉर्मूला है, आपको वैल्यू दे रखी है और आपको क्या करना है इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। अब मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगी तो ये तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं करोगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।